शुक्रिया। अखबारों का खोखला होना ये कोई नई तो बात नहीं कि रवीश कुमार जी कहते हैं कि ये जर्नलिज्म का कोई गोल्डन एरा नहीं रहा कि अखबारों का खोखला होना ये कोई नई तो बात नहीं। फरमानों को गुनगुनाने वाली ये पहली प्रभात नहीं, इतिहास ने देखा है पहले भी, इतिहास ने देखा है पहले भी वर्तमान का जाली होना, झूठ का प्रभावशाली होना, हकीकत का ख्याली होना। रिवायती पेशा है इनका रोजाना पन्नों को भरना, ज्यादा सोच करके भी क्या करना। पहले भी कई आपदा आई, सूखा पड़ा, बरखा छाई, कई दफा ये हो चुकी है, पर्यावरण से सीध में हाथापाई। धरती ने देखा है पहले भी माटी का समाधि होना, एक युग का अंत और दूजे युग का आदि होना। अगर तुम हुए मनु तो फिर होगा तुम्हारे भी भाग्य में तरना, ज्यादा सोच करके भी क्या करना। और सत्ता पर मूर्खों का कब्जा, और सत्ता पर मूर्खों का कब्जा, देखो ये दोहराता चरखा है कि सत्ता पर मूर्खों का कब्जा, देखो ये दोहराता चरखा है। प्रकृति ने मानव विकास को पहले भी ऐसे परखा है, लेकिन समय ने देखा है सत्ताधीशों का सिफर होना, आंधी का दफन होना। जैसे कि हम सब जानते हैं किसकी आंधी है, लेकिन समय ने देखा है सत्ताधीशों का सिफर होना, आंधी का दफन होना, मुगलों का जफर होना। अगर वो है तुगलक तो फिर होगा उनके भी नसीब में गुजरना। मैंने हालांकि यहाँ पे मरना लिखा था, पर फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि शायरी में ऐसे मरना नहीं लिखना चाहिए। उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि ठहरना लिख दो, कि उनके भी नसीब में ठहरना नहीं था। तो मेरा था कि इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं गुजरना कर दूंगी। कि अगर वो है तुगलक तो फिर होगा उनके भी नसीब में गुजरना, ज़्यादा सोच करके भी क्या करना। शुक्रिया।